नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 100 बड़ी खबरों से। संक्रमण के मामलों में फिर आया उछाल, 26,000 के पार पहुंचे नए केस, केरल में सबसे ज्यादा संक्रमित। सिर्फ टॉवल पहने निया शर्मा की तस्वीर हुई वायरल, इंटरनेट पर देखी जा रही है बार बार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 76वें जन्मदिवस पर पीएम मोदी ने दी बधाई, बोले विनम्र व्यक्तित्व ने बनाया सभी का प्रिय। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बंद किए सारे एटीएम, अब यहां से होगी कैश निकासी। जब पिता की मौत के बाद रुक गई थी सुप्रिया पाठक की जिंदगी, उस वक्त ऐसे संभाला था खुद को। दीपिका पादुकोण ने किया भीख मांग रही महिला को इग्नोर, रोलर्स बोले इतने पैसे कहां लेकर जाओगी। चुप संकट से जूझ रही मारुति सुजुकी, अक्टूबर में कार निर्माण में आएगी भारी कमी। IQ008 Pro पायलट एडिशन से उठा पर्दा, 50 MP कैमरा के साथ मिलेगी 4500mAh की बैटरी, जानिए कीमत। अग्रिम जमानत मिलने के बाद बेटे की कस्टडी के लिए लड़ेंगे करण मेहरा, बोले वो निशा के पास सुरक्षित नहीं। शेयर बाजार खुलते ही धड़ाम, सेंसेक्स में 400 अंक से ज्यादा की आई गिरावट। एक बार फिर बड़ी डीजल की कीमतें, पेट्रोल भी हुआ महंगा, जाने आज की कीमत। UGC नेट एडमिट कार्ड, जल्द देखें एग्जाम है मीडियम और मार्किंग के 10 जरूरी नियम। तनमंडल ने गाया मन के मांगे हिते, लोग बोले युहानी ना सुन ले कहीं। उम्र तो बस एक आंकड़ा है, बुढ़ापे का संबंध एज से कम, हौसला परस्ती से अधिक है। कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर आया उछाल, 26,000 के पास पहुंचे केस। पीएम मोदी आज करेंगे स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत, वैज्ञानिक आधार पर होगा कचरे का निस्तारण। भारी बारिश और बाढ़ के कारण महाराष्ट्र में अब तक 400 से ज्यादा लोगों की गई जान, जाने अन्य राज्यों के क्या है हालात। NDRF ने बल की स्थापना के बाद से अब तक देश में 1,47,000 लोगों की बचाई जान, यह कहना है SN प्रधान का। मौत का सबब बनते गड्ढे, भारत में वर्ष 2020 में गड्ढों के कारण हुई 3,564 सड़क दुर्घटनाएं। भारत के दौरे पर कोलंबिया के उपराष्ट्रपति बिजनेस डेलीगेशन के साथ पहुंची नई दिल्ली। चीन नियंत्रित NBFC पर ED का शिकंजा, 131 करोड़ का कोष किया जब्त। PDSU घोटाले में फंसे 2 IAS के खिलाफ मामला कमजोर किया गया, ED का आरोप। रेनसमवेयर वायरस के रडार पर है भारत, कंप्यूटर के साथ स्मार्टफोन पर भी खतरा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 18 झुग्गी वालों को मिली राहत, फरीदाबाद में रेलवे किनारे की झुग्गियां हटाने का मामला। IQ008 Pro पायलट एडिशन से उठा पर्दा, 50 MP कैमरा के साथ मिलेगी 4500mAh की बैटरी, जानिए कीमत। देश में 7 से 11 साल तक के बच्चों के लिए जल्द आएगी कोवोवैक्स वैक्सीन, दूसरे तीसरे पेज का ट्रायल शुरू। देश के जिला अस्पतालों में प्रति 1,00,000 आबादी पर औसतन 24 बेड, जाने देश भर का हाल। भारत में राजनीतिक पदों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक, महिला सशक्तिकरण पर बोली स्मृति ईरानी। 2 अक्टूबर को बिहार, गुजरात, सिक्किम समेत इन राज्यों में हो सकती है भारी बारिश, अरब सागर के डिप्रेशन से चक्रवात की आशंका। LAC पर चीनी सैनिकों का जमावड़ा, भारत बोला PLA की यथास्थिति को बदलने की कोशिशों के चलते ही सीमा पर फैली अशांति। सिनेमा ने सहेजी है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृतियां, इन फिल्मों में देखे हैं बापू के सिद्धांत। LPG सिलेंडर की कीमत फिर उछली, अब इतने रुपए में मिलेगा 19 किलो का सिलेंडर। यूपी में 4 जिलों के SP समेत 7 IPS अफसरों का तबादला, बदायूं, भदोही, औरैया व गाजीपुर के कप्तान बदले। कांग्रेस के टिकट के लिए प्रियंका वाड्रा बनाया फॉर्मूला, नवंबर तक तय होंगे प्रत्याशी। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना से आते पिछड़ों को साधेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कश्यप महासम्मेलन में होंगे शामिल। यूपी चुनाव से पहले आकार लेने लगेगी विश्व की सबसे बड़ी फिल्म सिटी, 3 चरणों में होगा निर्माण।
गांव के आर्थिक विकास पर फोकस करेगी योगी सरकार, 2 अक्टूबर से शुरू हो जन योजना अभियान। कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2018 का फाइनल रिजल्ट। कांग्रेस के टिकट के लिए प्रियंका वाड्रा ने बनाया फॉर्मूला, नवंबर तक तय होंगे प्रत्याशी। केशव प्रसाद मौर्य बोले 2 महीने में मेरठ को करीब 2000 करोड़ की सौगात। आज कानपुर आएंगे प्रियंका, राहुल का ट्वीट, न्याय लेकर रखेंगे, अधिकार है एहसान नहीं। समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले भाजपा ने शिक्षकों और कर्मचारियों का नुकसान किया। मुखिया चुनाव के आने लगे हैं परिणाम, जानिए कौन जीता कौन हारा। एक क्लिक में जानिए कोसी, सीमांचल और पूर्व बिहार के परिणाम, लगातार आ रहे रिजल्ट। मुखिया चुनाव के आने लगे हैं परिणाम। देश की सबसे बड़ी आंतरिक समस्या बने नक्सलियों पर हो निर्णायक प्रहार। अश्लीलता संबंधी अपराध में देश भर में सबसे आगे है बिहार, एनसीआरबी की रिपोर्ट में पटना का ये आंकड़ा। बॉयफ्रेंड ने किया शोषण, निजी पलों का वीडियो दिखा, 2 और ने किया दुष्कर्म। बिहार और उत्तर प्रदेश से नदी के रास्ते कर सकेंगे नेपाल का सफर, 25 बंदरगाह बनाने की तैयारी शुरू। पटना और नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने वाले ध्यान दें, मगध महिला कॉलेज में शुरू होगी नई सुविधा। बिहार में तेज हवा के साथ भारी बारिश की चेतावनी, मानसून ने बढ़ा दी है चिंता। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दबे पांव पहुंचे अमिताभ बच्चन, हेल्दी रहना चाहते हैं तो बॉडी को डिटॉक्स जरूर करें, जानिए 6 बेस्ट तरीके। बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में लगाया कोहली से ज्यादा शतक और रोहित शर्मा की कर ली बराबरी। इंद्रा ने अपनी इस पॉपुलर SUV का डीजल वेरिएंट चुपचाप मंगाया वापस, ये है वजह। कब है अखंड सौभाग्य का व्रत करवा चौथ, जाने तिथि पूजा मुहूर्त एवं चंद्र अर्घ का समय। मौनी रॉय जल्द करने वाली है शादी, दुबई के इस बिजनेसमैन की बनेंगी दुल्हनिया, करीबी ने किया खुलासा। SSC CHSL Tier 2 परीक्षा के परिणाम घोषित, SSC.NIC.IN पर करें चेक। म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से करीब 15,000 से अधिक लोगों के भारत में प्रवेश करने का अनुमान। न्याय व्याख्या में सुधार के लिए उसका भारतीयकरण जरूरी। दिल्ली विश्वविद्यालय अंडर ग्रेजुएट के लिए आज जारी करेगा पहला कट ऑफ। दिल्ली NCR में अगले 3 दिन तक बारिश के आसार, IMD ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में खुलेंगे धार्मिक स्थल, कड़ी शर्तों के साथ सरकार ने दी मंजूरी। शनिवार को दिल्ली आने से पहले पढ़ लें ये खबर, कौन सा रास्ता खुला है और कौन सा है बंद। बन रहा विंटर एक्शन प्लान, प्रदूषण घटाने के लिए जन भागीदारी बढ़ाएगी सरकार। सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को दिल्ली के कोर्ट में पेश होने के आदेश। दिल्ली में संपत्ति खरीदने वालों को केजरीवाल सरकार ने दी बड़ी राहत, 3 महीने तक नहीं बढ़ेंगे सर्किल रेट। DMRC ने लाखों यात्रियों को राहत देने की दिशा में बढ़ाया कदम,
आईजीआई नोएडा एयरपोर्ट को जोड़ेंगी दो लिंक लाइन। इसमें दुरुस्त होगी एसटीपी संशोधन की ऑनलाइन निगरानी। ट्रेडिंग में हुआ घाटा तो रच डाली अपहरण की कहानी, पैसे ट्रांसफर करते हुए खुली पोल। सीटीआई चेयरमैन ब्रजेश गोयल का ऐलान, प्रदर्शनी उद्योग से जुड़े लोगों को लाया जाएगा एक मंच पर। दिल्ली में शराब की 260 निजी दुकानें बंद, यहां जानिए आपको कैसे मिलेगी शराब। दिल्ली में क्यों टूटते टूटते रह गया 121 साल का रिकॉर्ड, पढ़िए सबसे हैरत की बात। एनसीआर में अगले 3 दिन तक बारिश के आसार, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। देवीलाल व चौटाला के गढ़ में कमल खिलाने को भाजपा ठोकेगी ताल, जानिए क्या बनाई खास रणनीति। बॉर्डर खुलवाने पर 4 अक्टूबर को फैसला संभव, फिर अमित शाह से मिलेंगे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। आज 6 लाख से ज्यादा महिलाओं का हो जाएगा टीकाकरण, 362 थर्ड जेंडर ने भी अब तक लिया के टीका। आईएएस आईपीएस में काफी मुस्लिम छात्र हो रहे उत्तीर्ण, हिंदू जन जागृति को जिहाद की आशंका। त्योहारी सीजन में खर्च बढ़ाएंगे ग्राहक, जानिए किस चीज पर है लोगों का खास जोर। घंटों का सफर मिनटों में पूरा करेंगे फ्लाइंग कार, यहां जानिए सभी सवालों का जवाब। महिंद्रा एक्सयूवी 700 के लिए शुरू हुई बुकिंग, शुरुआती कीमत 11,99,000 रुपए। ग्लोबल डेब्यू से पहले जारी हुआ टोयोटा फ्रंट लैंडर का टीजर, जाने किन दमदार फीचर्स से होगी लैस। महज 25 रुपए में फुल चार्ज होगा आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल, राफ्ट मोटर्स लगाएगी 1 लाख चार्जिंग स्टेशन। एमएस धोनी के धमाकेदार वापसी, सीएसके पिछले साल थी फिसड्डी, इस आईपीएल में बनी प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम। ऑफसाइड की देवी को पहले टेस्ट शतक के लिए बहुत शुभकामनाएं, ट्वीट पर दिग्गज से फैंस तक हुए दीवाने। विस्फोटक ओपनर क्रिस गेल ने लिया आईपीएल छोड़ने का फैसला, इस वजह से छोड़ा पंजाब किंग्स का साथ। पंजाब के लिए करो या मरो का मुकाबला, जानिए कैसे देखें कोलकाता के खिलाफ मैच लाइव। बाबर आजम ने टी20 क्रिकेट में लगाया कोहली से ज्यादा शतक, रोहित शर्मा की कर ली बराबरी। स्मृति मंधाना ने पहले पिंक बॉल टेस्ट में शतक जड़, रचा इतिहास, बना डाला अपना सबसे बड़ा स्कोर। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहना चाहेगी पंजाब, केकेआर के खिलाफ करो या मरो का मुकाबला। नई टीवीएस स्कूटर से लेकर एमजी एस्टर तक अगले हफ्ते लॉन्च को तैयार है ये धांसू कार और बाइक। जियो एयरटेल और वीआई के धांसू प्रीपेड प्लान, अनलिमिटेड कॉलिंग और ओटीटी ऐप की सब्सक्रिप्शन के साथ रोज मिलेगा 3 GB डेटा। धांसू फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च हुआ रेडमी नोट 10 लाइट, खरीदारी पर पाएं 1,250 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट। हेल्दी रहना चाहते हैं तो बॉडी को रखिए डिटॉक्स, जानिए 6 बेस्ट तरीके। टाटा सन्स ने जीती एयर इंडिया की बोली, मंत्रियों के पैनल ने किया प्रस्ताव का स्वीकार। ऑस्ट्रेलिया ने कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दी, भारत पर्यटकों और छात्रों को राहत मिल सकेगी। नए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी बोले, देश की सुरक्षा होगी मेरी पहली प्राथमिकता। गांधी जयंती पर पाइए अहमदाबाद घूमने का मौका, भारतीय रेल लेकर आया है यह शानदार टूर पैकेज। किसान महापंचायत को सुप्रीम कोर्ट से फटकार, जंतर मंतर पर सत्याग्रह की मांगी थी इजाजत। दमदार फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च होगा मोटोरोला एज 20 प्रो। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।